वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल, मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है और पॉलिटी के सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का, ठीक है। इसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आज फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे कि जैसे कि इसमें क्या था, पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट जो है वो मिल चुका था जो मेंबर्स थे, ठीक है। उसमें इंक्लूडिंग आपके इंडियन मेंबर्स भी थे, चूंकि नॉन ऑफिशियल जो मेंबर्स होते थे वो इंडियन भी होते थे, तो उनको एक तरीके से पावर दे दी गई कि आप जो है बजट के उस पर आप डिस्कशन कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, ठीक है। पर उसके लिए उनको प्रायर 6 दिन पहले की नोटिस देनी पड़ती थी। और एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो है इसमें आया था कि इसको क्या बोला गया, एक तरीके से इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम हुआ, क्योंकि क्या करते थे लोग इसमें से चुने जाते थे, ठीक है, इलेक्शन टाइप का प्रोसेस होता था, पर इलेक्शन का वर्ड इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है, इसमें का ओवरऑल जो आपका ये इंडियन काउंसिल एक्ट है 1892 का, ठीक है, ये इसमें से एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब आ जाते हैं मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है या एक्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं, या फिर ये जो एक्ट है ये डिवीजन के लिए बहुत तगड़ा रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। डिवीजन होता है इस एक्ट के थ्रू आपका किस में, मुस्लिम्स का एक तरीके से जो वोटिंग सिस्टम है उसमें सेपरेटिज्म का जो एक भाव आया है वो इस एक्ट की तरह इस एक्ट के थ्रू ही आया है। ये एक्ट बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है डिवीजन के लिए, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन इसने कर दिया था और एक तरीके से नींव रख दी थी भारत को डिवाइड करने की, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे भारत के उस समय, उस कौन थे, लॉर्ड मॉर्ले थे, और मिंटो क्या थे, वाइस रॉय ऑफ इंडिया उस समय के 1909 में, ठीक है। अब जॉन मॉर्ले वॉज अ मेंबर ऑफ लिबरल गवर्नमेंट, गोपाल कृष्ण गोखले मेट मॉर्ले इन इंग्लैंड टू एम्फेसाइज द नीड ऑफ फॉर रिफॉर्म। अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स इलीट कॉल्ड द शिमला डेप्यूटेशन लेड बाय द अगा खान मेट लॉर्ड मिंटन, डिमांडेड सेपरेट इलेक्ट्रोड्स फॉर द मुस्लिम्स एंड रिप्रेजेंटेशन इन द एक्सिस ऑफ देयर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ इन द व्यू ऑफ वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इन अक्टूबर 1906। अब क्या हुआ कि गोपाल कृष्ण गोखले जी मिले मॉर्ले से मिले, जो कि उस समय कौन थे, लॉर्ड मॉर्ले, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे भारत के, उनसे वो मिलते हैं इंग्लैंड में और क्या कहते हैं कि हमें कुछ नीड है, अपने अपने रिफॉर्म्स में एम्फेसिस करनी चाहिए, उसको रिफॉर्म करना चाहिए, हमारा जो भी है हमारा सिस्टम चल रहा है काउंसिल एक्ट से, इनमें हमें थोड़ा सा रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है। अब एक इलीट ग्रुप, मतलब पढ़े लिखे कुछ उच्च मुस्लिम्स के ग्रुप जो है, मिलते हैं लॉर्ड मॉर्ले से, जिनको लीड किया था आगा खान ने, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, लीड किसने किया था, आगा खान ने, ठीक, किससे मिलते हैं, लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं, जो कि उस समय ये क्या था, वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, ठीक है, और डिमांड करते हैं कि भाई हमें तो सेपरेट इलेक्ट्रोड चाहिए मुसलमानों के लिए, उनका एक अलग से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए जब भी वोटिंग कास्ट की जाती है, एक तरीके से उनका कॉन्ट्रीब्यूशन की उनकी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। ये हुआ आपका 1906 में, ठीक। इट कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। अब जब जो है इंक्रीज करेंगे मुसलमानों का या फिर किसी भी मेजॉरिटी का जो है, आप जो है रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज करेंगे तो नंबर इंक्रीज होगा ही मेंबर्स का साइज में, ठीक है। द नंबर ऑफ मेंबर्स सेंट्रल इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल 16 से क्या हो गए, 60 हो गए, ठीक है, पहले 16 थे, अब मेंबर्स कितने हो गए, 60 हो गए। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है। कौन कौन इंक्लूडेड थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ 50 मेंबर्स, वेयर एज लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ पंजाब, बर्मा एंड असम कॉन्स्टिट्यूटेड ओनली 30 मेंबर्स ईच, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं था कि एक ही मेजोरिटी का था हर जगह, हर काउंसिल्स में अलग अलग थे, ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स। अब द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ इन द सेंट्रल एंड द प्रोविंसेस वेयर टू बी फोर कैटेगरीज, ठीक है, एक्स ऑफिशियल मेंबर्स, नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर्स, नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स और इलेक्टेड मेंबर्स। अब जो भी मेंबर्स थे आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल में, सेंट्रल प्रोविंस दोनों में, वो चार भागों में डिवाइडेड थे। कौन कौन से थे, नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर थे, ऑफिशियल मेंबर्स थे, उसमें कौन कौन था, गवर्नर जनरल और उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर ऑफिशियल मेंबर्स थे। नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर्स जो गवर्नर जनरल के द्वारा नॉमिनेट किए गए हों और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हों,
नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो कि गवर्नर जनरल के द्वारा नॉमिनेट तो किए गए हो पर वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं है, ठीक। और आपके आते हैं इलेक्टेड मेंबर्स जो कि आर इलेक्टेड बाय डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंडियन पीपल, ठीक है। मतलब लोकल बॉडीज से हो गए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हो गए, ठीक है, लैंडलॉर्ड्स, यूनिवर्सिटीज, कम्युनिटीज ऑफ मुस्लिम्स एक्सेट्रा, सबके द्वारा जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो होते हैं आपके चौथे कैटेगरीज, ठीक है। द लोकल बॉडीज इलेक्टेड एन इलेक्टोरल कॉलेज हु वुड इलेक्ट नंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, दीज मेंबर्स वुड इन टर्न इलेक्ट द मेंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। पहले छोटे छोटे उस पर एक आप एक किसी को नियुक्त कर लेते हैं, फिर वो किसी बड़े को सेंट्रल के उस पर जो है इलेक्ट करते थे, ठीक है। ये था आपका ओवरऑल जो है इलेक्शन का प्रोसीजर उस टाइम, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में सेंट्रल बोथ सेंट्रल प्रोविंस में क्या करता था, फॉलो किया जाता था। अब डिटेल में तो हम इसका आगे का नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे, बट एक पॉइंट यहाँ पे मेन आ जाती है कि जब ये जो इलेक्टोरल कौन आपका सेपरेट होता है, सेपरेट इलेक्टोरल फॉर मुस्लिम आता है रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, यहीं पे आपका क्या होगा, डिवाइड ऑफ इंडिया का रूल नींव जो है रख दिया गया, समझ लीजिए, ठीक है। तो कभी भी अगर क्वेश्चन पुट अप होता है द एक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवाइडिंग द इंडिया और फॉर सेपरेट इलेक्टोरल्स ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है, तो कौन सा एक्ट आएगा, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म या इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 बहुत मेजरली इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हम 1919 का मॉन्टेगू चार्ल्स फॉर रिफॉर्म पढ़ेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उसमें डायरेक्टली सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दोनों एक्ट मेजरली बहुत इंपॉर्टेंट है सारे एक्ट्स के। उसमें आगे इस एक्ट के बारे में पूरी तरीके से डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।